सब लोगों का तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। इतनी तपती धूप के अंदर इतनी देर से इतनी बड़ी संख्या में आप लोग मेरा इंतजार कर रहे हैं, मैं आपका तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। जितने लोग इस वक्त टीवी में देख रहे हैं उन सब दर्शकों का भी मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। सबको मेरा नमस्कार, सबको मेरा प्रणाम। दोस्तों, सीधा जेल से मैं आप लोगों के बीच में आ रहा हूं। आपके बीच में आके बहुत अच्छा लग रहा है। 50 दिन के बाद अभी मैं, मेरी पत्नी भगवंत मान साहब, हम लोग कनॉट प्लेस में हनुमान मंदिर में गए थे, हनुमान जी का आशीर्वाद लिया, उनके दर्शन किए, फिर शिव जी के मंदिर गए, शनि जी महाराज के पास गए, उनका सबका आशीर्वाद लिया। बजरंग बली की खूब कृपा है हमारे ऊपर, हमारी पार्टी के ऊपर, देशवासियों के ऊपर। उन्हीं की कृपा से आज अचानक मैं आप लोगों के बीच में, नहीं तो किसी को उम्मीद नहीं थी कि चुनाव के बीच में मैं जेल से बाहर आ जाऊंगा, लेकिन ऊपर बजरंग बली की कृपा है, हनुमान जी की कृपा है हम लोगों के ऊपर, और चमत्कार हुआ और आज मैं आप लोगों के बीच में हूं। दोस्तों, हमारी आम आदमी पार्टी एक छोटी सी पार्टी है, दो राज्यों के अंदर है, अभी 10 साल पुरानी पार्टी है। हमारी पार्टी को कुचलने में, खत्म करने में प्रधानमंत्री जी ने कोई कसर नहीं छोड़ी। एक साथ हमारी पार्टी के 4 टॉप के नेता जेल भेज दिए एक साथ, अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, संजय सिंह, सतेंद्र जैन। बड़ी बड़ी पार्टियों के अगर 4 टॉप के नेता जेल चले जाएं, पार्टी खत्म हो जाती है। आम आदमी पार्टी के 4 टॉप के नेता इन्होंने जेल भेज दिया, उन्होंने सोचा कि पार्टी खत्म हो जाएगी, लेकिन ये पार्टी नहीं है, ये एक सोच है। जितना ये खत्म करना चाहते हैं उतना ये बढ़ती जाती है, उतना ये बढ़ती जाती है। ये क्रश करना चाहते हैं प्रधानमंत्री जी आम आदमी पार्टी को। जो लोग मोदी जी से मिलने जाते हैं, वो कई लोग हमें भी जानते हैं, वो बाहर आके हमें बताते हैं कि आपके बारे में, सबसे पहले मोदी जी से जो भी मिलने जाता है सबसे पहले वो केजरीवाल की और आम आदमी पार्टी की 10 से 15 मिनट बात करते हैं। उनको कहते हैं कि आने वाले समय के अंदर आम आदमी पार्टी ही देश को भविष्य देने वाली है, वो खुद भी मानते हैं। इसीलिए वो चाहते हैं कि आज ही आम आदमी पार्टी को बढ़ने से रोका जाए, इनको कुचल दिया जाए। ये तानाशाही है। अगर उनको लगता है कि आम आदमी पार्टी आने वाले समय में बीजेपी को चैलेंज देने वाली है, आप अच्छे काम करो, आम आदमी पार्टी को कोई पूछेगा ही नहीं। लेकिन आप कुछ काम नहीं करो और आम आदमी पार्टी को कुचल दो, ये जनतंत्र नहीं है, ये इस देश की जनता पसंद नहीं करती। इन्होंने आम आदमी पार्टी को कुचलने में कोई कसर नहीं छोड़ी। छोटे से लोग हैं हम लोग, छोटी सी पार्टी है, 75 साल के अंदर इस कदर किसी पार्टी को और उसके नेताओं को प्रताड़ित नहीं किया गया जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी जी ने आम आदमी पार्टी को प्रताड़ित करने की कोशिश किया। मेरे को इन्होंने जेल भेज दिया। प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं मैं भ्रष्टाचार से लड़ रहा हूं। देश के सबसे बड़े चोर, उचक्के और डकैतों को उन्होंने अपनी पार्टी में शामिल कर लिया। जिन लोगों को 10 दिन पहले मोदी जी कहते थे 70,000 करोड़ का इसने घोटाला कर दिया, थोड़े दिन के बाद उसी आदमी को अपनी पार्टी में शामिल करके किसी को डिप्टी सीएम बना देते हैं, किसी को मंत्री बना देते हैं और उनके सारे ईडी और सीबीआई के मामले खत्म कर देते हैं और कहते हैं मैं भ्रष्टाचार से लड़ रहा हूं।
मैं मोदी जी को कहना चाहता हूँ, भ्रष्टाचार से अगर लड़ाई लड़नी है तो केजरीवाल से सीखो। प्रधानमंत्री जी, भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई केजरीवाल ने लड़ी है। 2015 में जब दिल्ली में हमारी सरकार बनी थी, हमारे एक मंत्री का एक ऑडियो मेरे पास किसी ने व्हाट्सएप कर दिया। उस ऑडियो में मेरा मंत्री किसी दुकान वाले से 5 लाख रुपए मांग रहा था। किसी मीडिया वाले को नहीं पता था, विपक्ष को नहीं पता था, आप लोगों को याद होगा। मैंने अपने खुद मंत्री को सीबीआई के हवाले कर दिया, जेल भेज दिया था अपने मंत्री को।